$1000 एक महीने में कमाना है, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है $1000 भारत के लिए। ओके, कहीं मेरा ट्रैफिक बहुत लो था, एक दो आते थे दिन के, एक दिन जो हाईएस्ट है सर 34000 व्यू आए थे। इस एक कीवर्ड के लिए 3 माइक्रोनिश बना चुका हूँ। क्यों बना चुका हूँ? बहुत मोटा पैसा है भाई। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और धमाकेदार ब्लॉग रिव्यू में। और आज के ब्लॉग रिव्यू में हमारे साथ हैं शिवम, और इनको हमने क्यों सेलेक्ट किया है? क्योंकि ये मोबाइल से ब्लॉगिंग करते हैं और ये एक्टिव भी हैं हमारी कम्युनिटी में, ये काफी कमेंट करते हैं और तभी हमारी नजर में भी आए। तो अगर आपको भी ब्लॉग रिव्यू में अपने आप को पार्टिसिपेट करना है तो हमारी कम्युनिटी में आपको एक्टिव होना पड़ेगा और कॉमेंट में मुझे आपका कॉमेंट दिखना चाहिए। एंड सेकेंडली, बहुत सारे लोग ऐसा बोल रहे थे कि क्या मोबाइल से ब्लॉगिंग पॉसिबल है, क्या मोबाइल से ब्लॉगिंग करके पैसे आने लग सकते हैं? तो शिवम एक ऐसा बंदा है जो मोबाइल से ब्लॉगिंग करता है, लैपटॉप है इसके पास, बट ये मोबाइल से ब्लॉगिंग करता है और इसके पैसे भी आना स्टार्ट हो गए। तो चलिए बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए हम स्वागत करते हैं। शिवम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल। थैंक यू सो मच सर कि आपने मेरा ब्लॉग सिलेक्ट किया ब्लॉग रिव्यू के लिए, इसका मैं तहे दिल से आप शुक्रिया अदा करता हूं सर। ओके शिवम, अब है ना अपने बारे में बताओ कि कौन हो तुम और कैसे ब्लॉगिंग की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई या ऑनलाइन में अर्निंग की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? सर तो मैं बताना चाहता हूं कि ये जब जियो लॉन्च हुआ था 2016 में, तब ये मेरा करियर की स्टार्ट हुई थी एज ए ब्लॉगिंग। कैसे कि जब जियो लॉन्च हुआ तो मैं यूट्यूब चालू किया और मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखने चालू किए। बहुत से लोग एंटरटेनमेंट के वीडियो देखते होंगे, बट मैंने देखा कि हाउ टू अर्न मनी, कि हम यूट्यूब से ऑनलाइन पैसे कैसे कमा सकते हैं ऑनलाइन काम करके। तो पहले तो मुझे पता चला कि यूट्यूब है कि इससे पैसे कमा सकते हैं, तो मैंने एक अपना यूट्यूब पे चैनल क्रिएट किया टैग का, क्योंकि ज़्यादातर मुझे टैग के वीडियो दिखे, बट मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया और मेरा चैनल भी सक्सेस नहीं हुआ, तो मैंने ड्रॉप कर दिया, वीडियो डालना बंद कर दिया। फिर मैं 2017 में गुड़गांव आ गया प्राइवेट जॉब के लिए, और मैंने यहाँ बैंक ज्वाइन की। तो जब बैंक में जॉब करते करते फिर मैंने ऑनलाइन यूट्यूब पे वीडियो सर्च किए कि पैसे कैसे कमाएं ऑनलाइन। तो फिर पता चला कि अगर आप यूट्यूब पे वीडियो नहीं बना सकते तो आप ब्लॉगिंग स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें आपको किसी को फेस नहीं दिखाना, जस्ट आप अपनी इंफॉर्मेशन दूसरों के साथ शेयर करेंगे ब्लॉग पोस्ट लिख के, तो उससे आप पैसे कमा सकते हैं। बट मैंने टैग का, जैसे मैंने स्टार्ट में टैग का चैनल बनाया था, तो फिर मैंने टैग का ही एक डोमेन लिया और उसमें टेक्नोलॉजी से रिलेटेड पोस्ट डालने लगे, बट इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं थी मुझे सर, तो मैंने कॉपी पेस्ट करता था और वो एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिला और फिल ऑफ हो गया। मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो गया। उसके बाद एक साल फिर से निकल गया और 2020 आ गया। मैंने फिर से एक बार डोमेन खरीदा, क्योंकि मैंने फिर से यूट्यूब पर वीडियो देखे कि नहीं ऐसे करो वैसे करो, तो मैंने सोचा चलो एक बार फिर से ट्राई करता हूँ। और मैंने इस बार देखा कि सारी वेबसाइट वगैरह बहुत ज़्यादा चलती हैं, इन पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आता है, तो पैसे ज़्यादा उम्मीद है बनाने के। मैंने वो फिर से डोमेन लिया शायरी के और उस पर काम किया, बट सेम था कि मैंने अपने से ऐसा कोई शायरी तो आती नहीं थी कि अपने मन से लिख दूँ, और कॉपी पेस्ट किया दूसरों की शायरी, और फिर उसमें एडसेंस फिर का अप्रूवल नहीं मिला, मेल आया कि आपका कम्युनिटी गाइडलाइन फॉलो नहीं की है। तो मैं फिर डिमोटिवेट हो गया, अपनी प्राइवेट जॉब में चलता रहा, खुश रहा। फिर जब लास्ट ईयर 2020 में पवन सर आपका यूट्यूब पे फिर से वीडियो देखे कि आप ऐसे काम करके ऐसे कमा सकते हो, मैंने 15 लाख का पैकेज छोड़ के क्यों ब्लॉगिंग ज्वाइन की, तो मुझे लगा कि हाँ कुछ तो दम है। फिर मैं ऐसे 1-2 महीने वीडियो देखता रहा आपके, तो मैंने सोचा एक बार फिर से थर्ड टाइम ट्राई करना चाहिए, फिर से लेना चाहिए। बट मैंने देखा कि कहीं ये भी बताया गया कि जिसमें इंटरेस्ट हो तो आप ज़्यादा कंटिन्यू कर सकते हैं, और कंटिन्यू करके देखना चाहिए तभी इसमें सक्सेस हो सकते हैं, इतने जल्दी सक्सेस हाथ नहीं आती है। तो मैंने सोचा अभी मैं बैंक में हूँ और बैंकिंग फाइनेंस की नॉलेज है अच्छी खासी, तो मैंने इसी बिहाफ पे financialintimation.com डोमेन सिलेक्ट की। मैंने सर आपसे ये, आप बोलते थे होस्टिंगर से लो, तो मैंने होस्टिंगर से ही परचेज की थी, आपकी लिंक से ही परचेज की थी, बट मैंने ऐसा कुछ शेयर नहीं किया था आपके साथ कि आप बोलते ना, तो बाद में आप बोलने लगे कि मेरे साथ शेयर भी करो, तो बट मैं ले चुका था होस्टिंगर से डोमेन। मैंने कहा चलो सर के कहने पे मैंने स्टार्ट तो किया है, फिर मैंने पोस्ट डालना चालू कर दिया और एक महीने के अंदर मैंने 10 से 12 पोस्ट डाले होंगे और मेरे पास अप्रूवल आ गया। मुझे अच्छे से याद है कि उस दिन रक्षाबंधन था 22 अगस्त का और सुबह सुबह 4 बजे का मेल पड़ा था कि एडसेंस ने आपका ये एडसेंस अप्रूवल हो गया। तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, मैंने एक कदम सफलता हासिल कर ली थी क्योंकि दो जो मैं ब्लॉग फेल कर चुका था और मुझे एडसेंस अप्रूवल ही नहीं मिले थे, तो इसलिए मैं डिमोटिवेट होके कंटिन्यू नहीं किया मैंने। तो मैंने सोचा अब इसमें हम कंटिन्यू कर सकते हैं क्योंकि एक कदम सफलता मिल चुकी है। फिर ऐसे ही कंटिन्यू करता रहा। 4-6 महीने बाद जब आपने बताया कि ये वेब स्टोरी डालो क्योंकि मैं आपसे कनेक्ट था, तो वेब स्टोरी वीडियो आए, मैंने वेब स्टोरी डालना चालू किया। जब वेब स्टोरी डालना चालू किए तो एकदम से सडनली बहुत ज्यादा ट्रैफिक आने लगा। कहीं मेरा ट्रैफिक बहुत लो था, 1-2 आते थे दिन के, उसी जगह 34-34 हजार 10-10 हजार आने लगे व्यू वेब स्टोरी से पर डे सर। माय गॉड, एक दिन जो हाईएस्ट है सर 34 हजार व्यू आए थे। फिर मैंने देखा कि जो हमारे पुराने जो पोस्ट थे मैंने वो लिखे थे वो रैंक नहीं कर रहे थे, तो वेब स्टोरी की वजह से वो भी रैंकिंग में आने लगे क्योंकि मैं चेक करता था वो कीवर्ड डाल के कुछ ना कुछ उससे रिलेटेड कि कहीं कुछ दिख रहा है 1 पेज पे 10 पेज पे 15 पेज पे तो मैं ऐसे चेक करता रहता था सर। तो फिर मैंने देखे कि रिसेंटली वाले भी पेज गूगल के फर्स्ट पेज में आने लगे, जो मैंने अभी रिसेंटली 6 महीने बाद पोस्ट लिखे हैं तो वो भी फर्स्ट पेज में सेकंड पेज में आने लगे, तो वो भी रैंक करने लगे थे। तो ये था हमारी सर स्टार्टिंग जर्नी। वेरी गुड। एक चीज बहुत अच्छी लगी शिवम की जो मैं बताऊंगा जी सर, कि डिमोटिवेट हुआ सब होते हैं। जैसे मैं बोलता हूँ कि दीपावली मेरा पहला ब्लॉग नहीं है, मैं 27 ब्लॉग फेल कर चुका था, तो लड़के ने बहुत सारे ब्लॉग फेल किए और जॉब के साथ साथ ये सारी चीजें कर रहा है। कई लोग सोचते हैं कि जॉब छोड़ के सारी चीजें कर दो, पर नहीं, जॉब के साथ भी प्रैक्टिकली पॉसिबल है। और धीरे धीरे ही देखो पॉइंट क्या होता है ना, सबको जैसे तुमने कॉपी पेस्ट किया ना शिवम, सब कॉपी पेस्ट करते हैं, सब कॉपी पेस्ट करते हैं, है ना जी सर, स्टार्ट में। और सबसे बड़ा डिमोटिवेशन वही होता है एक्चुअली। पता है क्या, बहुत सारे यूट्यूबर है ना ये वीडियोस बनाते कि कॉपी पेस्ट करो, बिल्कुल आपके पास पैसा आने लग जाएगा। हर आदमी का देखो बेसिक नेचर होता है कि उसको है ना आलसी होता है, मतलब एक बेसिक नेचर आदमी का होता है आलसी। तो सबसे आसान क्या काम होता है, कॉपी पेस्ट करो। अच्छा, कॉपी पेस्ट करोगे, कुछ होएगा जाएगा नहीं और आप डिमोटिवेट हो जाओगे और सारी कम्युनिटी को गालियां देने लग जाओगे, हमारी ब्लॉगिंग कम्युनिटी को, क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं कि कॉपी पेस्ट करो और सारी चीजें हो जाएंगी। ओके एग्जैक्टली सर मैं इसमें कुछ ऐड करना चाहता हूँ। हाँ। कि जो हम जैसे न्यू ब्लॉगर होते हैं अगर उनको सही गाइडेंस मिल जाए स्टार्ट में, जो यूट्यूब पे क्योंकि आपने देखे होंगे हजारों वीडियो डले हैं कि ब्लॉगिंग ऐसे करो वैसे करो और पैसे कमाओ, तो वही जो फेल होने का रीजन यही होता है कि सही गाइडेंस नहीं मिलती स्टार्ट में। अगर गाइडेंस सही मिल जाए, आप जैसे गुरु मिल जाए कैसे ऐसे करो, तो सच में कोई भी पहला ब्लॉग, मुझे लगता है पहले ब्लॉग ही उसका सक्सेस हो सकता है, हो सकता है, बट चांसेस अभी भी कम है मैं बोलूंगा शिवम, क्योंकि ना फेल हो के ही सीखोगे। मतलब मैं ये बोलता हूँ कि मेरा वीडियो देख के भी कोई सफल नहीं हो सकता है, काम करोगे। अच्छा, शिवम एक ऐसा लड़का है जो मेरे से इंस्पायर्ड है, मेरे ब्लॉग रिव्यू देख रहा है, अब हम उसका ब्लॉग रिव्यू कर रहे हैं। उसके बाद भी मैं शिवम तुम्हें बता रहा हूँ कि होता क्या ना, तुम लोग ब्लॉग रिव्यू देखते हो और देख के फिर कुछ चीजें इंप्लीमेंट करते हो, कुछ चीजें भूल जाते हो। आज के ब्लॉग में मैं बताऊंगा कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो अभी भी तुम बेसिक मिस्टेक्स कर रहे हो, जो मैं पहले के ब्लॉग रिव्यू में बता चुका हूं। प्लस क्या है ना, अच्छा दूसरी चीज मैं यहां से बताऊं कि इसी से ही मुझे याद आया कि अगर आप एक नए ब्लॉगर है, जैसे आपने देखा शिवम होस्टिंगर यूज कर रहा है, होस्टिंगर से कोई प्रॉब्लम है शिवम? सर बिल्कुल कोई भी प्रॉब्लम अभी तक नहीं आई है, 7 महीने हो चुके हैं मेरे ब्लॉग को। ओके, तो देखो इसीलिए मैं होस्टिंगर प्रमोट करता हूं क्योंकि नए ब्लॉगर के लिए काफी अफोर्डेबल होस्टिंग है और कोई इशू नहीं आता। प्रीमियम प्लान लोगे आप 100 वेबसाइट होस्ट कर सकते हो और उसके बाद क्या है कि इनका सपोर्ट भी बहुत अच्छा है, अफोर्डेबल होस्टिंग है, काफी सस्ती होस्टिंग है। उसके बाद अगर आप मेरा अफिलिएट लिंक यूज करोगे तो आपको और ज्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा, जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, मेरा कूपन कोड भी यूज करें। और अगर आप मेरे से होस्टिंग लेते हैं तो प्लीज मेरे को इनवॉइस मेल करें, कुछ ना कुछ गुडीज मैं आपको दूंगा। तो शिवम को जैसे हमने यहाँ पे देखा कि शिवम ने सारी चीजें करी, पर कुछ कुछ चीजें अभी भी वो बेसिक मिस्टेक्स कर रहा है जो हम बताएंगे। और ये जो ब्लॉग रिव्यू होने वाला है शिवम, इसको मैं 3 पार्ट में डिवाइड करूंगा जी सर। पहला हो गया एसईओ मिस्टेक्स जो तुम्हारा ब्लॉग कर रहा है, दूसरा होगा कि प्लानिंग कैसे करनी है कॉन्टेंट की, और तीसरा है मार्केटिंग कैसे करनी है। तुम बैंक में हो तो मैं पता होगा तुम जॉब कर रहे हो कि मार्केटिंग भी बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। और ये तुम्हारी निश के लिए, जैसे फाइनेंस निश इसने सेलेक्ट करी, फाइनेंस निश क्योंकि ये बैंक में जॉब करता है तो इसीलिए इसका इंटरेस्ट भी है इन सब चीजों में और ये इजी भी है। प्लस पता है फाइनेंस के साथ फायदा क्या है शिवम? जी सर, मोटा पैसा। ठीक है, ये तो है सर। और आज का हम बताएंगे कि अगर आपको $1000 एक महीने में कमाना है, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है $1000 भारत के लिए, ओके, $1000 के लिए आपको फाइनेंस निश में मात्र 2000 व्यूज की जरूरत है। वेब स्टोरी से नहीं, जो नॉर्मल व्यूज होते हैं, जो लोन रिलेटेड कीवर्ड होते हैं, जो स्टार्टअप रिलेटेड कीवर्ड्स होते हैं, उसमें जब 2000 पेज व्यूज आने लग जाएंगे थोड़ा सा एज होने के बाद आप बहुत इजीली $1000 मतलब 70-75 हजार रुपए महीने कमा सकते हैं। तो हमारा मेन टारगेट ये होने वाला है कि ये जो तुम्हारा निश है ये बहुत ही कॉम्पिटिटिव निश है। ठीक है, अब दो तरह के ओशन होते हैं, है ना, एक होता है रेड ओशन और एक होता है ब्लू ओशन। मैं हमेशा बोलता हूँ ब्लू ओशन में काम करना है। जो करंट टॉपिक्स हैं उसमें जब हम काम करते हैं तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं ट्रैफिक आने के। फॉर एग्जाम्पल वेब स्टोरीज। अब वेब स्टोरी से क्यों ट्रैफिक आ रहा है? अच्छा, वेब स्टोरी से सबका ट्रैफिक आ रहा है जो काम कर रहा है। अब क्यों हो रहा है वेब स्टोरी से ट्रैफिक आ रहा है? क्योंकि एक नया फीचर है, ये एक ब्लू ओशन है। धीरे धीरे इससे भी ट्रैफिक आना कम होने लग जाएगा। समझ रहे हो बात? अभी कम लोग काम कर रहे हैं, इसी वजह से भड़ाभड़ करके ट्रैफिक आ रहा है। तो ये होगा ब्लू ओशन। फाइनेंस एक ऐसा टॉपिक है जो कि है रेड ओशन। रेड ओशन मतलब कि बहुत सारे लोग इसमें ऑलरेडी काम कर रहे हैं और सिंस पैसा बहुत ज्यादा है तो बहुत सारे लोग इसमें इंटरेस्टेड भी हैं कि हम इसमें काम करना है ना। तो अभी इस तरीके की जो रेड ओशन है इसमें हमें कैसे काम करना है, इसीलिए हम 3 स्ट्रैटेजी बनाई थी। तो सबसे पहले हम आते हैं बेसिक एसईओ मिस्टेक्स पे। ठीक है, स्क्रीन पे अभी शिवम का ब्लॉग हमें दिख रहा है। सबसे पहले मैं जाता हूं साइट मैप पे, और साइट मैप पे जाते ही से मुझे दिखा योस्ट एसईओ। सिंस तुम्हारा नया ब्लॉग है, तुम्हें चेंज करना है तो करो शिवम, अदरवाइज जो नया बंदा है ना, मैं उसको रैंक मैथ बोलता हूँ करने के लिए। क्योंकि मैंने सर 7 मंथ पहले स्टार्ट किया था तो रैंक मैथ के बारे में इतने पता नहीं था, मालूम नहीं था, नॉलेज नहीं थी। ठीक है, तो अभी योस्ट में कंटिन्यू करो, कोई दिक्कत नहीं है। बट है ना, रैंक मैथ कोई भी नया बंदा है तो मैं उसको बोलता हूँ रैंक मैथ करो, क्योंकि रैंक मैथ में फ्री में इतने सारे स्कीमा टाइप अटैच हो जाते हैं जो कि रैंकिंग में आपका बहुत ज्यादा साथ देंगे। ओके, तो नंबर 1 ये हो गया। अच्छा, कोई योस्ट में यूज कर रहा होता है तो मैं, जैसे तुम्हें 7 महीने हो गए और ट्रैफिक आने लग गया, तो मैं तुम्हें रिकमेंड नहीं करूंगा कि अब तुम रैंक मैथ की तरफ जाओ। बट अगर कोई नया बंदा है या फिर थोड़ा पुराना भी है, ट्रैफिक नहीं आ रहा है, तो मैं अभी भी बोलूंगा कि स्विच टू रैंक मैथ। और मैं करना चाह रहा हूँ, ये एक्सपेरिमेंट भी करना चाह रहा हूं, जैसे शिवम जैसे लोगों का जिनका ट्रैफिक आने लग गया है, तो वो अगर योस्ट से रैंक मैथ की तरफ जाएंगे तो क्या क्या एसईओ इंप्लीकेशंस आते हैं, क्योंकि मैंने प्रैक्टिकली करके नहीं देखा है। तो अगर आप चाहते हैं कि कोई किसी ब्लॉग को मैं योस्ट से रैंक मैथ की तरफ मूव करूं और देखें कि इसमें क्या क्या एसईओ इंप्लीकेशंस आ रहे हैं, तो प्लीज कॉमेंट बॉक्स में हमें बताएं। ठीक है शिवम? जी सर। अब यहां आके सबसे पहले मेरी नजर गई, काफी चीजें मैंने देखी। मैंने देखा टैग, ठीक है, तुमने पोस्ट लिखी है। यहाँ पे मैंने जब पोस्ट देखा तो पोस्ट है करीब 47, है ना, और टैग्स हैं 168। ऐसा क्यों? तो सर मैं कोई भी पोस्ट लिखता हूं तो 2-3 टैग दे देता हूं उसमें, इसलिए कि रैंकिंग फैक्टर के लिए। टैग के बारे में पता है कि नहीं? सर टैग के बारे में पता है, अगर कोई भी सर्च करता है तो उस कीवर्ड के 2-3 मतलब कि कीवर्ड सर्च कर सके। ये देखो, ये है ना एक भ्रांति बनाई गई है टैग के बारे में कि टैग से क्या होता है ना, आदमी को और लगता है कि यार, जैसे अभी तुम्हारा ये टैग है अप्लाई IDFC फर्स्ट बैंक क्रेडिट कार्ड, फॉर एग्जाम्पल, अगर ये सिर्फ टैग है, ये पोस्ट नहीं है, तो लोगों को लगता है कि कोई अगर ये सर्च भी करे ना अप्लाई IDFC बैंक क्रेडिट कार्ड, तो भी तुम्हारा एक पोस्ट रैंक करने लग जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर रैंक भी करने लग गया, ठीक है, तो ये देखो ऐसा दिख रहा है उसको, ये सारी चीजें, है ना। जी सर। अब ये क्या है? थिन कंटेंट है। क्या समझ में आ रहा बंदे को? अगर किसी ने सर्च किया कि अप्लाई IDFC फर्स्ट बैंक क्रेडिट कार्ड, तो उसको तो आंसर नहीं मिल रहा ना। जी सर। अगर ये रैंक कर जाता है टैग, तो अगेन तुम्हारा कंटेंट हो गया थिन कंटेंट, है ना, और ये एसईओ के लिए अच्छी चीज नहीं है। अगर ये ज्यादा होते, अगर 168 हैं वेब स्टोरीज की वजह से, तुम्हारा देखो तुम्हारे पोस्ट पहले इंडेक्स नहीं हो रहे थे, वेब स्टोरीज की वजह से इंडेक्स होने लग गए, रैंक होने लग गए। बट ना, ये काम नहीं करना है अपने को। इनफैक्ट मैंने स्टार्ट इसलिए किए थे क्योंकि मैंने वीडियो ही देखे थे कि अगर आप टैग भी यूज करते हैं 2 से 4 तो शायद आपके पोस्ट रैंक होने लग जाए, इसलिए मैंने, मुझे तो नॉलेज ही नहीं थी। नहीं तो इसके पॉइंट पता है क्या है? वो लोग जो ऐसा बोलते हैं ना, वो ब्लॉगर हैं ही नहीं। ठीक है ना। अब मुझे लोग क्यों मानते हैं? क्योंकि दीपावली हमारा एक ब्लॉग है, प्लस इस चैनल पे मैं बहुत सारे ऐसे ब्लॉग लेके आए हूँ जिनके खोल के हमने पूरा ट्रैफिक दिखाया कि देखो हमने करोड़ों का ट्रैफिक ब्लॉग में रिवील कर चुका हूँ ऑलरेडी। अच्छा, दीपावली में मैं एक चीज बताऊँ तुम्हें, टैग क्रॉल्ड ही नहीं है हमारे, है ना, हमने मना कर रखा है, योस्ट ही हमने उसमें यूज कर रखा है और हमने बोला हमारे टैग क्रॉल ही नहीं करो, मतलब गूगल को ये दिखने ही नहीं वाला है कि ये है। क्यों? क्योंकि हमने टैग जो बनाए हैं वो यूजर पर्सपेक्टिव से बनाए कि यूजर को वैल्यू मिले, है ना। हमने चीटिंग के ये जो बने हैं ना, ये चीटिंग के पर्सपेक्टिव से हैं और ये थिन कंटेंट है, गूगल समझ जाएगा। और आप भी अगर बहुत सारे लोग वीडियो देख रहे हैं और आपके पोस्ट अगर इंडेक्स नहीं होते हैं तो देखना आपने भी तो ये मिस्टेक नहीं करी, इतने सारे टैग्स तो नहीं बना दिए, ठीक है। अब इसके बाद मैंने देखा कैटेगरीज भी तुमने बहुत सारी बना के रखी हैं, है ना। अब पोस्ट तुम्हारे हैं 47 और 26 कैटेगरी वो स्टार्ट में सर बन गई थी कैटेगरी, फिर मैं उनको कम करता गया, बहुत सी कम कर दी है मैंने। तो ये भी कोई नया बंदा अगर देख रहा है तो ये नहीं करना है भाई, है ना। कैटेगरी 4 या 5 रखो, 40-50 पोस्ट में इतनी कैटेगरी की कोई जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे हम आ गए, तो साइट मैप से मुझे ये सारी चीजें पता चली। प्लस अब जैसे वेब स्टोरीज भाई बता रहा है कि वेब स्टोरीज भाई ने वीडियो देखे शिवम ने और अच्छा खासा ट्रैफिक आ गया है। अगर आप वेब स्टोरी शब्द पहली बार सुन रहे हैं तो प्लीज ब्लॉग रिव्यू 22 देखें, जिसमें 1 लाख से ऊपर व्यूज जा चुके हैं और उसी की वजह से मैक्सिमम लोगों ने वेब स्टोरीज पे काम करना चालू किया है और जिसने भी काम चालू किया है वो छप्पड़ फाड़ ट्रैफिक उसके पास आ रहा है। अब इसमें पता है क्या, मैंने एक चीज देखी कि सिंस तुम्हारा निश है फाइनेंस, है ना जी सर, सब कुछ है इसमें, इसमें योजना भी है, उर्वशी राउतले का फैशन ट्रेंड भी है, आलिया भट्ट की लाइफस्टाइल भी है। ये सर ये मैंने ना सिर्फ वेब स्टोरी में ऐड किया था क्योंकि इससे ट्रैफिक आके हमारे जो बाकी पोस्ट है रैंक कर सके, इसी वजह से। फाइनेंस वाला लिखो, इसके लिए अलग ब्लॉग बना लो। ओके सर, इसके लिए अपने को मिक्स नहीं करना है। देखो इसमें ना अगर आलिया भट्ट के फैशन में बहुत सारा ट्रैफिक भी आ गया ना तो बहुत सारा पैसा नहीं आएगा। फाइनेंस में ना कम ही चीजें हमें चाहिए। अब इसमें तुम क्या कर सकते थे, आलिया भट्ट फैशन की जगह तुम कर सकते थे आलिया भट्ट नेटवर्क। तो हमें किस पे जाना है, पैसे से रिलेटेड होना चाहिए कि जो पैसे से रिलेटेड इंटरेस्ट बंदा इंटरेस्टेड है, जो आलिया भट्ट में इंटरेस्टेड नहीं है, आलिया भट्ट के पैसे में इंटरेस्टेड है। समझ गए कि उसी चीज को अपन ने थोड़ा सा करके, तो उतना ट्रैफिक नहीं आएगा जितना आलिया भट्ट में आ रहा है, पर पैसे जैसे नेटवर्थ वाले में भी बहुत सारा ट्रैफिक आता है और नेटवर्थ फाइनेंस से रिलेटेड है तो तुम्हारी जो इंडेक्स वगैरह की जो सारी प्रॉब्लम थी वो सारी चीजें रिजॉल्व होने लग जाएंगी, ठीक है। तो लालच में नहीं आना है कि यार वेब स्टोरीज में ट्रैफिक आ रहा है तो अपन भरकस ट्रैफिक लेके आ जाए, है ना। अपने को अपना निश भी खराब नहीं करना है, तो इसके लिए सेकंड ब्लॉग बनाना है। अब हम आते हैं इसके होम पेज पे, है ना। होम पेज फाइनेंस एक ऐसा टॉपिक है ना जिसमें नया लिख पाना बहुत मुश्किल कुछ काम है, तो इसमें जब होम पेज होगा ना, ये ब्लॉगिंग स्टाइल का होम पेज है, ऐसा होम पेज नहीं होना चाहिए। होम पेज कुछ दीपावली तरीके का होना चाहिए कि जैसे इसमें आप देखोगे कि बॉक्स बने हुए होंगे कि ये देखो बिजनेस आइडियाज के लिए हो गया, यहाँ पे इंश्योरेंस के लिए हो गया, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आर्टिकल हो गए, मोर ऑन दीपावली हो गया, कि किसी तरीके से आगे जाके जो मैं अभी मार्केटिंग वाली स्ट्रैटेजी बताऊंगा ना तो उसमें क्या होगा कि लोग तुम्हारे पास आएंगे जब, तो उनके पास ये ब्लॉग फॉर्मेट नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऐसा होता है, एक डब्बा बना हुआ होता कि इंश्योरेंस से रिलेटेड आर्टिकल के लिए आप यहाँ जाएं, जैसे तुमने मेन्यू बार बनाया है ना यहाँ पे जी सर, मेन्यू की जगह यहाँ पर ये डब्बे फॉर्मेट में ब्लॉग फॉर्मेट में अगर ये बन जाए तो इस तरीके का होम पेज बनना चाहिए। मैक्सिमम बंदे आते हैं मोबाइल से, मोबाइल में मेन्यू, जैसे अभी कितना प्यारा मेन्यू दिख रहा है ना, मोबाइल में मेन्यू दिखता ही नहीं, ठीक है, कोई भी थीम ड्रॉप डाउन दिखता है, कोई क्लिक ही नहीं करेगा वहां पे। तो अपने को जो मेन्यू टाइप की चीजें है ना यहाँ होम पेज में बनाना, इसको ब्लॉगिंग फॉर्मेट में नहीं करना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके ओके सर, अब एक पोस्ट पे आता हूँ, ठीक है। अब पहली चीज तो ये पोस्ट तुम्हें लिखनी नहीं चाहिए थी क्योंकि योजना से रिलेटेड पोस्ट है ना। योजना में क्या लिखना चाहिए मैं आगे जाके बताऊंगा, बट पॉइंट ये कि इसमें बेसिक एसईओ मिस्टेक्स में बता रहा हूँ कि क्या है। ओके, बहुत अच्छा तुमने किया कि इसमें पाइप लगाया है। अगर बाकी लोगों को पाइप नहीं पता है तो प्लीज कॉमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि आपको पाइप नहीं पता है। अब इसमें 99% इसमें मुझे टेबल भी नहीं दिख रहा है। देखो पॉइंट ये है कि तुम ब्लॉग रिव्यू देखते हो, बहुत सारे लोग ब्लॉग रिव्यू देखते हैं बट छोटी छोटी सी चीजें वो मिस कर जाते हैं। जैसे तुम ब्लॉग रिव्यू देखते हो, तुमने अगर वेब स्टोरी पे अगर कोई बंदा काम कर रहा है तो वो ब्लॉग रिव्यू मेरे देखता ही देखता है। अब यहाँ पे जो छोटी सी मिस्टेक है, अब लोग क्या सोचते हैं कि वो मेरे से जब ब्लॉग रिव्यू करवाएंगे तभी सक्सेसफुल हो पाएंगे, पर ऐसा नहीं है। ब्लॉग रिव्यू देख के फिर से करो ना अपने में, देखो कि जैसे इसमें टेबल ही नहीं है, जो बहुत ही बेसिक ऊपर है ना सर, टेबल ऑफ कंटेंट, टेबल ऑफ कंटेंट नहीं, टेबल जैसे मैं बताता हूँ। ओके ओके, अंडरस्टैंड, मैं समझ गया सर, हाँ टेबल, ठीक है ना। तो टेबल ही नहीं है इसमें, टेबल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। 99% इसमें एफएक्यू भी नहीं होंगे क्योंकि योस्ट पे है क्या नहीं किया है सर, बहुत ज्यादा जरूरी है। इंटरनल लिंकिंग की भी मुझे बहुत ज्यादा कमी लगी कि इंटरनल लिंक्स दिखे ही नहीं है, और इंटरनल लिंक्स हैं तो बस डाल दिए गए हैं, कोई उसका ज्यादा औचित्य है नहीं। इस पोस्ट में तो पर्टिकुलरली मुझे एक भी इंटरनल लिंक नहीं दिखा। यहाँ पे तुमने अन्य पढ़े लिख रखा है, ये एक तरीके का इंटरनल लिंक हो गया। ये जो है, ठीक है, बाकी लोगों को मैं बताऊं कि जब हम इस पे होवर करते हैं तो होवर करेंगे और हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये देखो दूसरी पोस्ट खुल गई। ये है इंटरनल लिंक, क्योंकि हम financialintimation.com प्लेटफॉर्म की एक पोस्ट से फाइनेंशियल इंटीमेशन के दूसरे पोस्ट पे ही गए तो इसको इंटरनल लिंक कहते हैं। और ये जो टेक्स्ट लिखा होता है जिस पे हम क्लिक करते हैं इसको कहते हैं एंकर टेक्स्ट। अब एंकर टेक्स्ट डालना बहुत ज्यादा जरूरी है गूगल के लिए भी, कि गूगल को पता चले कि भाई अगर ये कीवर्ड कोई टाइप करे, फॉर एग्जांपल एंकर टेक्स्ट अगर तुम डालते व्हाट इज स्लाइस कार्ड इन हिंदी, ठीक है जी सर, तो एक तरीके से तुम गूगल को भी बता रहे हो कि अगर कोई टाइप करे व्हाट इज स्लाइस कार्ड इन हिंदी तो ये वाली पोस्ट पे आ जाए। जी सर, पर इस तरीके का एंकर टेक्स्ट बन गया है ना, इसका मतलब तुम गूगल से कह रहे हो कि कोई टाइप करे व्हाट इज स्लाइड कार्ड इन हिंदी, पाइप स्लाइड कार्ड क्या है, ऐसा कोई सर्च करेगा नहीं, जस्ट लिखेगा सर, मतलब कि है ना, तो पाइप तो डाले ही नहीं है ना, तो तुम गूगल को एक ऐसी चीज बता रहे हो जो कि कभी सर्च हो ही नहीं सकती। पाइप का अगर मुझे नहीं पता है, तुम्हें पता है या नहीं पता है, बट पाइप हम इसलिए डालते हैं गूगल को बताने के लिए कि ये अलग हमारी हेडिंग है और ये अलग है, हम डिफरेंशिएट करने के लिए डाल रहे हैं, है ना, बिल्कुल सर, क्योंकि ये एक सिंबल है, क्योंकि गूगल क्या है HTML समझता है, तो HTML की भाषा में ये है कि या तो ये दिखाओ या ये दिखाओ। तो पॉइंट ये है कि इस तरीके से तो जो इंटरनल लिंक बनाए तो ये सारे एंकर टेक्स्ट चेंज होने चाहिए। और एंकर टेक्स्ट कैसे बनने चाहिए कि जो कीवर्ड सर्चेबल हो उससे रिलेटेड एंकर टेक्स्ट बनने चाहिए। क्लियर शाह? यस सर, क्लियर है सर। तो इसमें बहुत मिस्टेक्स हैं, जो बेसिक मिस्टेक्स होती हैं वो इसमें है, तो ये सारी चीजें भी ठीक करना है। क्लियर? बिल्कुल एग्जैक्टली है ना, क्लियर। और बाकी अगर आप लोग कर रहे हैं तो प्लीज अपना खुद का ब्लॉग रिव्यू करें, खुद का ब्लॉग रिव्यू भी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब शिवम मुझे एक बात बताओ कि तुम कंटेंट की प्लानिंग कैसे करते हो कि क्या कंटेंट लिखना है? सर पहले तो मैं जिस बैंक में करता हूँ मैं चाहता हूँ कि उसके जितने भी प्रोडक्ट है पहले वो लिख दूं, वो कवर कर लूं, क्योंकि एक बैंक के ही काफी प्रोडक्ट होते हैं। तो पहले मैं कोई भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, फिर उस पर रिसर्च करता हूँ क्या कितने से कितना ज्यादा दे सकूं नॉलेज कस्टमर को, किसी दूसरे पोस्ट पे जाने की जरूरत ही ना पड़े। तो मैं ज्यादा से लगता है कि 1500 वर्ड में हो जाएगा, 1000 वर्ड में हो जाएगा, तो मैं पहले रिसर्च करके उसके जो H2 लाइन होती है, टैग लाइन, सिलेक्ट करता हूँ कि कितने देने हैं, 3 देने हैं, 4 देने हैं, वैसे करते हो। ठीक है, बट है ना ये एक अच्छा तरीका है जो तुम कर रहे हो, बट पॉइंट ये कि अब जैसे तुमने जैसे फॉर एग्जांपल बैंक के प्रोडक्ट के बारे में लिख रहे हो, तो हो सकता है कि वो बहुत पुराना प्रोडक्ट हो और उसके बारे में ऑलरेडी बहुत सारे लोग लिख चुके हों, तो तुम्हारा रैंक करना मुश्किल है क्योंकि अभी तुम्हारी कुछ अथॉरिटी भी नहीं बनी है। तो पहले तो क्या करो कि सिंस तुम उसी बैंक में हो तो उससे रिलेटेड वेब स्टोरीज बनाओ, सबसे अच्छा तरीका वो है कि उसी से रिलेटेड वेब स्टोरी बनाओगे तो बहुत चांसेस हैं कि बेसिकली तुम्हारा रैंक करने लग जाए सारी चीजें। अच्छा, वेब स्टोरी में भी एक चीज मैं बताता हूँ आपको शिवम, ये साइन देख रहे हो शेयर का? जी सर। आगे जाके ये बहुत इंपॉर्टेंट बनने वाला है कि वेब स्टोरी पे अभी ट्रैफिक क्यों आ रहा है, क्योंकि काफी कम लोग इस पे काम कर रहे हैं। जब ज्यादा लोग काम करने लग जाएंगे तो गूगल को कैसे पता चलेगा कि एक वेब स्टोरी लोगों को अच्छी लग रही है और नहीं लग रही है? जी बिल्कुल सर, वो पता चलेगा शेयर से कि कितने लोग इसको शेयर कर रहे हैं। तो वेब स्टोरी का कंटेंट भी तुम्हारा हो सकता है कि अच्छा हो, क्योंकि तुम उस पर्टिकुलर बैंक में काम कर रहे हो और सारी इंफॉर्मेशन दो, ठीक है, तो उसका वेब स्टोरी बनाओगे तो बहुत अच्छा है। बाकी प्लानिंग कैसे करनी है अपने को मैं बताऊं, दो तरीके के काम करने, क्योंकि ये रेड ओशन है, बहुत डिफिकल्ट है रैंक करना। तो मेरा मानना, जब मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट करी थी मुझे लाना था 1 लाख ट्रैफिक पर डे, है ना, जो कि इम्पॉसिबल था मेरे लिए लाना। उस समय मेरी बिलीफ सिस्टम ही नहीं था ऐसा कि मैं 1 लाख ट्रैफिक एक दिन में लेके आऊं, पर मुझे एक चीज पता थी कि अगर मैं माइक्रो निश बनाता हूं तो 500 पेज व्यूज एक ब्लॉग पर ला सकता हूं। तो मैंने क्या किया, ऐसे 20 ब्लॉग बना लिए अलग अलग, जैसे तुम्हारा एक प्रोडक्ट है उस पर एक ब्लॉग बना लिया, दूसरा प्रोडक्ट है उस पर बना लिया, तीसरा प्रोडक्ट है उस पर बना लिया, चौथा प्रोडक्ट है उस पे बना लिया। तो मेरा ये मानना था कि एक प्रोडक्ट पे 500 पेज व्यूज पर डे आना, एक प्रोडक्ट पे 500 पेज व्यूज आना, मतलब एक ब्लॉग पे 500 पेज व्यूज आना प्रैक्टिकली फिर भी पॉसिबल है। तो इस तरीके से मैंने मल्टीपल ब्लॉग्स बना लिए। अब फाइनेंस भी बहुत बड़ी निश है, अब इसमें मुझे जो लगता है कि अगर काम करना है, जैसे अभी हमने एसईओ की बात कर ली थी, हम प्लानिंग की बात कर रहे हैं कि प्लानिंग हम ऐसा करें, हम फोकस करें सिर्फ स्टूडेंट पे। फॉर एग्जांपल हम एक अभी ये ब्लॉग बनाया है, इसी में ही एक सेक्शन बना लें स्टूडेंट्स, हम सिर्फ स्टूडेंट पे ही फोकस करें और डालें कि भाई स्टूडेंट अगर को लोन चाहिए, हम दो चीज करें स्टूडेंट और लोन, तो हम कितने आर्टिकल लिख सकते हैं। तो हमने जो गूगल का ही ऑटो सर्च है उसकी सहायता ली, दिख रही है कितने से देख रहे हैं, स्टूडेंट लोन इंटरेस्ट रेट, स्टूडेंट लोन, बाहर जाएंगे तो क्या मिलेगा, इंडिया, रिलीफ सेंटर, कैलकुलेटर। अब इसी में ही अगर अपन ए डाल देंगे, देखो और कितने सारे टॉपिक मिल गए, स्टूडेंट लोन ऐप, अप्लाई, एप्लीकेशन, हमने बी डाल दिया, कितने टॉपिक मिल गए, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक्स, सी डाला कितने मिल गए, डी डाला कितने मिल गए, ई डाला। समझ रहे हो कि कितने टॉपिक हैं जो स्टूडेंट से ही रिलेटेड है। अच्छा, सबसे ज्यादा लोन की जरूरत स्टूडेंट को है इंडिया में। बिल्कुल सर, और सबसे मुश्किल है उन्हें मिलना। एक होता है स्टूडेंट लोन जो कि इजीली मिल जाता है, उसके अलावा भी बहुत सारे, क्योंकि आज की तारीख में स्टूडेंट चाहता है कि बिजनेस करे। सबको समझ में आ गया है कि हाँ आप बिजनेस कर सकते हो, आप स्टार्टअप चला सकते हो, सबको लोन चाहिए। तो स्टूडेंट से रिलेटेड ही अगर अपन फाइनेंस में डालेंगे ना, जो कि मुझे नहीं लगता कि कोई फोकस कर रहा है। तुमने स्पेसिफिक ऐसी कोई फाइनेंस की साइट देखी जो सिर्फ स्टूडेंट को कैटर कर रही है? नहीं देखी सर, ऐसा कुछ नहीं देखी ना, तो समझ रहे हो कि कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है जिसको कोई टैब नहीं कर रहा है। और ये हम रेड ओशन से किस पे आ गए, फिर ब्लू ओशन पे आ गए। ब्लू ओशन पे आप इसी में ही मैं लोन की बात करूं, जैसे मैंने कहा था योजना की हम बात करेंगे, तो जब हम लोन की बात करते हैं तो एक आता है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। ठीक है जी सर। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना भारत सरकार की एक योजना है जिसमें वो लोन देते हैं। आप वो लोन किसी को भी मिल सकता है, तो स्टूडेंट को भी मिल सकता है लोन, तो हम इसके बारे में लिख सकते थे। अच्छा, मैंने जैसे बताया था कि हम बहुत सारी माइक्रो निश बनाते थे, तो मैं क्या करता था, योजना से रिलेटेड हमने काफी काम कर रखा है। और पर्टिकुलरली अगर मैं प्रधानमंत्री योजना की बात बताऊं तो इससे रिलेटेड मैं 3 माइक्रो निश बना चुका हूं। इस एक कीवर्ड के लिए 3 माइक्रो निश बना चुका हूं। क्यों बना चुका हूं? बहुत मोटा पैसा है भाई फाइनेंस में। फाइनेंस है भाई साहब, कम ट्रैफिक और ज्यादा कमाई। तो पहली जब बनाई भरकस सक्सेस मिली, दूसरी बना ली, तीसरी बना ली। अच्छा, मैं पहले बता चुका हूं कि अब अगर आप प्रधानमंत्री मुद्रा योजना पे बनाओगे तो चांसेस बहुत कम है सक्सेस हो, क्योंकि जब ये योजना आई थी उसी समय हमने बनाया। तो अभी भी जैसे ही प्रधानमंत्री मुद्रा, अच्छा अगर आप लोगों को चाहिए कि मैं अपना पूरा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से रिलेटेड ब्लॉग रिवील करूं, जिसमें मैंने एक ब्लॉग से अभी तक 30 लाख रुपए कमा चुका हूं और अभी भी कमा रहा हूं, तो प्लीज कॉमेंट करें। ठीक है, तो अगर मैं पूरा का पूरा एक केस स्टडी लेके आऊंगा कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना साइट हमने कैसे बनाई, क्यों बनाई, क्या क्या लिखा और कैसे हमने 30 लाख रुपए कमाए। ठीक है, अब ये हो गई लोन, है ना। अब जी सर, इसमें यह है स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम। इसी तरीके से हर स्टेट गवर्नमेंट का एक लोन स्कीम होती है जिसको रोजगार योजना कहते हैं। तो कितने स्टेट्स हैं हमारे पास? बथेरे स्टेट्स हैं इंडिया के। तो हर में अलग एक रोजगार योजना है और सब में खुद की एक लोन स्कीम है, रोजगार योजना स्कीम उनको कहते हैं। उनके बारे में भी हम माइक्रो निश बना सकते हैं, प्लस ठीक है तुम पूरा का पूरा उनके बारे में लिख सकते हो। तो योजना के बारे में नहीं लिख रहे हैं हम, यहाँ पे हम किसके बारे में लिख रहे हैं? लोन के बारे में लिख रहे हैं स्पेसिफिकली, है ना जी सर। और इसमें तुम हिंदी में भी लिख सकते हो। अच्छा, बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि हम हिंदी में लिखें कि इंग्लिश में लिखें, किसी में भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, मिक्स करके भी लिख सकते हो इंग्लिश और हिंदी में। परंतु ऐसा नहीं करना है कि एक ही पोस्ट में हिंदी इंग्लिश दोनों लिख दी, और ऐसा भी नहीं करना है कि अगर हिंदी में पोस्ट लिख ली तो गूगल ट्रांसलेट का यूज करके लिखना है। खुद मैनुअली लिखो इंग्लिश में, ठीक है, खुद पर्सनल अपना ट्रांसलेटर खुद बनो, गूगल ट्रांसलेटर का यूज नहीं करना है। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये सारी की सारी चीजें कर सकते हैं। इसके अलावा क्या करना है कि मैं अब एक चीज बताता हूं कि फॉर एग्जांपल ये जो एक निश है इसमें वेब मेंशन का भी इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे तुम्हारा YouTube चैनल था जी सर। अब उस पे काम करने की जरूरत आ गई है, जो जो चीजें कर रहे हो बिना चेहरा दिखाए वीडियो बनाओ, और वहां का मेन मोटिव क्या होना चाहिए? YouTube चैनल नहीं है, मेन मोटिव क्या है? वहां से ट्रैफिक लेके आओ अपने इस चैनल पे, वेबसाइट पे। वेबसाइट पे वही वेब मेंशन हो गया। और बिल्कुल स्टार ज्ञान वाला जो है बहुत ही हिट वीडियो, सबसे ज्यादा व्यूज अभी मेरे उसी वीडियो पे हैं, और वो किससे, वो किसके कारण सक्सेसफुल है? वेब मेंशन। वो है ना, 7 लाख रुपए महीने कमाने लग गया सिर्फ वेब मेंशन से। जिस दिन उसे टर्म वेब मेंशन पता चला, क्योंकि उसका यूट्यूब चैनल था खटाखट खटाखट, पता है वो हर 10-15 दिन में एक नया ब्लॉग बना रहा है लोन से रिलेटेड, है ना जी सर। तो उस पे काम करना है, प्लस पर्सनल ब्रांडिंग पे भी काम करना है। फाइनेंशियल लिमिटेशंस बाय शिवम, फाइनेंशियल इंटीमेशन है, सॉरी सूचना, फाइनेंशियल इंटीमेशन बाय शिवम। बहुत जरूरी है ये वर्ड शिवम। जैसे कि आज की तारीख में पवन अग्रवाल एक ब्रांड है, बिल्कुल है सर। दीपावली के लिए पहचाने जाते हैं। क्या एक दिन में बन गया? टाइम लगा सर। तो मुझे चाहिए कि फाइनेंस में शिवम एक ब्रांड हो, होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा सर। कैसे होगा? खुद नाम लिखोगे तब तो होगा, बिल्कुल सर। है ना, चैनल का नाम है ना मेरे, लर्न एंड अर्न विद पवन अग्रवाल, पवन अग्रवाल डिजिटल, पवन अग्रवाल ब्रांड बन गया है, तो शिवम भी एक ब्रांड बनेगा। बिल्कुल सर। और कौन बनाएगा ब्रांड? शिवम बनाएगा, है ना। YouTube का भी हेल्प लेना अपने को, वेब मेंशंस करके ये सारी चीजें करनी है। प्लस क्या करना है, कंटेंट जो लिखना होता है इस तरीके के रेड ओशन में सिर्फ 20% होता है, प्लानिंग 40% होती है और मार्केटिंग 40% होती है ना जी सर। तो एग्जैक्टली सर, इसमें कंटेंट कम लिखना है क्योंकि ये रेड ओशन है। अब ब्लू ओशन वाला मैंने तुम्हें बता दिया स्टूडेंट वगैरह का, पर उसके बाद भी बहुत सारे लोग लिख चुके होंगे, स्पेसिफिकली पूरी की पूरा ब्लॉग स्टूडेंट के लिए नहीं होगा पर बहुत सारे लोग लिख चुके होंगे। तो उसमें क्या करना होगा, अगेन वेब मेंशंस प्लस कोरा कोरा, कोरा में जाना होगा और डेली एक क्वेश्चन का आंसर करना है स्टूडेंट से रिलेटेड। फॉर एग्जांपल तुमने स्टूडेंट पूरा फोकस कर लिया। मैं कुछ कहना चाहूंगा, मैंने अभी जैसे कि आपने बताया कोरा, तो मैंने जब वेबसाइट बनाई थी तब कोरा का अकाउंट भी बनाया था बट काम नहीं किया था। तो मैंने अभी कुछ 15 दिन पहले ही कोरा पे एक्टिव होके क्वेश्चन के आंसर दिए और जो हमारे फाइनेंस से रिलेटेड लाइक जो बैंक के अकाउंट के बारे में अगर किसी ने पूछा कौन सा बेस्ट है तो मैंने एक लिंक शेयर किया उस पर, तो उससे भी ट्रैफिक हमारा काफी बढ़ गया था। देखो हो गया ना पॉइंट, पता है क्या, यही चीज है, पता सब है करता नहीं आदमी, है ना। तो करना क्या है, जैसे तुमने एक निश डिजाइन कर ली फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, तो कोरा में एक क्वेश्चन का आंसर डेली करने की एक्सेल शीट बना लो कि आज किया, कल किया, परसों किया, नरसों किया, ठीक है। तो वैसे करके करना ही करना है और वहां पे तुम्हारा इंटेंशन ये नहीं होना चाहिए कि ट्रैफिक लेके आना है ब्लॉक पे, कोरा पे भी ब्रांड बनाना है सर, ब्रांड बनाना है दादा। और वहां पे डेली क्या करना है, एक क्वेश्चन का आंसर करना ही करना है कोरा पे, है ना। नोटेड सर, नोटेड, बिल्कुल करना ही करना है। तो इस तरीके से भी क्या होगा ना, धीरे धीरे करके ब्रांड बनेगा। पवन अग्रवाल 1 साल में ब्रांड नहीं बन गया भाई मेरे, शुरू के 5 साल तक तो मुझे चीटियां भी नहीं जानती थी, इतना सारा ट्रैफिक लाने के बाद भी बहुत मेहनत करके बहुत मुश्किलों से एक टाइम ऐसा आया जब ये बनाए। तो पॉइंट ये कि पेशेंस भी रखना पड़ेगा और ये सारी चीजें करनी पड़ेगी। प्लस जब तुम्हारे पास लोग आएंगे तो एक कम्युनिटी बनाओ, स्टूडेंट्स की कम्युनिटी बननी चाहिए, ठीक है ना। जिस चाय पे चर्चा होती है ना, तो शिवम पे चर्चा होनी चाहिए। एक टेलीग्राम ग्रुप बना लो, एक फेसबुक ग्रुप बना लो जहां पर लोग आए, क्योंकि तुम एक्टिव रहोगे ना तो वहां पर लोग आएंगे। लोगों की अगर मदद हो रही होगी वो अपने दोस्तों के साथ तुम्हारा ग्रुप शेयर भी करेंगे, तो आने दो लोगों को। अच्छा, ये एक दिन में कम्युनिटी नहीं बनती है। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। रोम एक बहुत बड़ा साम्राज्य था इतिहास में और वो एक दिन में नहीं बना है। तो धीरे धीरे करके जो सारी कोशिश करोगे ना, तो उसके कारण ये पूरे के पूरे रेड ओशन पे एक दिन शिवम राज कर रहा होगा, जी सर, ब्रांड बना के राज कर रहा होगा। तो यही सारी चीजें हैं जो मैंने बोला कि इसमें कंटेंट लिखना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ 20% है कंटेंट लिखना और एसईओ, बाकी क्या करने का काम है, ब्रांडिंग का काम है, कंटेंट प्लानिंग और मार्केटिंग। समझ गए? क्लियर? क्लियर सर। अच्छा, एक चीज मैं बोलूंगा कि अभी मैंने बहुत सारे आइडिया दिए, जैसे स्टूडेंट से रिलेटेड भी दिया, तो तुम इसमें भी लिख सकते हो ब्लॉग में तुम्हारे, या फिर अलग ब्लॉग भी बना सकते हो। जी सर। आप बताओ, कोई क्वेश्चन है शिवम तुम्हारे? क्वेश्चन तो सर आपने क्लियर कर दिए हैं, बाकी तो ऐसा कुछ है नहीं अभी, क्योंकि मैं आपके वीडियो देखता ही हूं, तो जो भी क्वेश्चन होते हैं वहां से क्लियर हो जाते हैं सर। यस, और है ना, खुद का ब्लॉग रिव्यू भी टाइम टू टाइम करना है, थोड़ा टाइम नहीं मिलता है बट मैंने सोचा है अभी जॉब ना 4-6 महीने और कंटिन्यू करूंगा, फिर टोटल फिर ब्लॉगिंग पे ही दूंगा, क्योंकि अभी 1 हफ्ते में पोस्ट डाल पाता हूँ या 2 हफ्ते में, क्योंकि अभी मैंने नहीं जॉब तब तक नहीं छोड़ना है जब तक ब्लॉगिंग से उससे ज्यादा पैसे ना आ जाएं, ठीक है जी सर। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। ओके ओके, क्योंकि पैसे देखो यार, ब्लॉगिंग एक ऐसी चीज है ना, कोई भरोसा नहीं, हो सकता है 1 महीने बाद पैसे आने लग जाए, 1.5 साल लग जाए करते करते, है ना। और अगर रनिंग इनकम कम हो जाती ना तो आदमी का अच्छे से अच्छा भूखे पेट है ना जंग नहीं जीती जाती। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सर, है ना। तो पहले पेट भरो यार, जॉब से ही पेट भरता है, ठीक है। या तो पिताजी के पास बहुत पैसे हो तो मैं फंडिंग कर रहा हूँ। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। तो पॉइंट ये है कि पेट भरना भी बहुत ज्यादा जरूरी है और धीरे धीरे करके ही किला बनेगा। ऐसा नहीं है कि तुमने जॉब छोड़ दी तो तुम्हारा प्रोसेस फास्ट हो जाएगा। मैंने भी जॉब तब छोड़ी थी जब मेरी ब्लॉगिंग में इनकम ज्यादा होने लग गई थी अपने जॉब से। तो मैं कई लोगों से बोलता हूँ, प्लीज इस बात से मेरे से इंस्पायर मत हो जाना कि मैंने जॉब छोड़ दी। हाथ जोड़ के लोगों से बोलता हूँ, पहले मेहनत करो, जॉब करते करते यार मैंने सारी चीजें कर ली, तुम भी करोगे, टाइम लगेगा। और मिस्टेक तो भाई साहब सब करते हैं, मैं भी करता हूं। जैसे मैंने तुम्हें बता दिया कि तुम ब्लॉग रिव्यू देखते थे, उसके बाद भी बेसिक मिस्टेक्स करी है ना, तो हर इंसान करता है। तो ब्लॉग रिव्यू से ही अकेले सक्सेस नहीं होगे, सेल्फ ब्लॉग रिव्यू भी टाइम टू टाइम करते रहना है। जो कहते हैं ना, खुद की समीक्षा भी खुद करनी रहती है ना, बिल्कुल सर, वही हो गया कि सेल्फ ब्लॉग रिव्यू करके भी सक्सेस मिल सकती है। तो यहीं पे ही शिवम हम अपना ब्लॉग रिव्यू एंड करते हैं, क्योंकि बात करते करते बहुत बड़ा वीडियो हमारा बन चुका है और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस ब्लॉग रिव्यू से बहुत सारे लोगों का बहुत फायदा होने वाला है और तुम्हारे इस ब्लॉग रिव्यू से काफी लोग इंस्पायर भी होने वाले हैं, ठीक है। इसके लिए थैंक यू सो मच सर, कि एक बार फिर से कि आपने मेरा ब्लॉग रिव्यू सिलेक्ट किया था ब्लॉग रिव्यू करने के लिए। ब्लॉग को मेहनत करते रहो, अगले 5 साल में मुझे ब्रांड शिवम चाहिए। बिल्कुल सर, श्योर आएगा ना, बिल्कुल सर आएगा। ठोकरें लगेंगी, प्रॉब्लम्स होंगी, पर करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान हो जाएगा। 5 साल लगेंगे पर वो सारी चीजें हो जाएंगी, ठीक है। तो चलिए अब हम इस वीडियो को यहीं पर ही एंड करते हैं। अगर आप मेरा चेहरा पहली बार देख रहे हैं तो मैं हूं पवन अग्रवाल और इस चैनल पे ऐसे ही मैं ब्लॉग रिव्यू लाता रहता हूं। अगर आपको अपना ब्लॉग रिव्यू करवाना है तो इस कम्युनिटी में एक्टिव होना पड़ेगा, कमेंट करना पड़ेगा, लोगों की मदद करनी पड़ेगी और इस चैनल पे हमारा फ्री ब्लॉगिंग कोर्स भी चल रहा है, आप उसको भी चेकआउट चेकआउट करें, काफी लोगों को काफी फायदा हुआ है। और इतना लंबा वीडियो अगर कोई यहां तक देख रहा है तो उसको हाथ जोड़कर थैंक यू है। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल लर्न एंड अर्न विद पवन अग्रवाल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।